वहीं आज यानी मंगलवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जबलपुर पहुंचे। नड्डा ने जबलपुर स्थित मानस भवन में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने कहा कि राजनीति में हमें ऐसी मानसिकता में पहुंचा दिया था कि ऐसा लगने लगा कि अब कुछ भी नहीं बदलने वाला है। हमारे मन में बैठ गया था कि अब बदलाव नामुमकिन है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में इस मानसिकता को बदल दिया है। अब हमारे मन में आ गया है कि सब बदल सकता है और हम इसे बदलेंगे। आज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जबलपुर आए थे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदेश की राजनीति की संस्कृति में परिवर्तन आया है। पहले जातिवाद को आधार मानकर राजनीतिक करने का तरीका था, परिवारवाद था, एक ही परिवार के लोग आगे बढ़ते जा रहे थे और बाकी सब ताली बजाओ। पीएम मोदी ने तुष्टीकरण, परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति को खत्म किया है। नड्डा ने कहा कि कोरोना काल में पूरी दुनिया असमंजस में थी, लॉकडाउन लगाए कि ना लगाए, लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि जान है तो जहान है। उन्होंने लॉकडाउन लगाकर देश को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया। जनवरी 2020 में कोरोना का पहला केस आया और 9 महीने के अंदर 2-2 वैक्सीन देश में तैयार हो गए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी शोर बढ़ना शुरू हो गया है। पार्टी और उसके उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारकों के दौरे प्रदेश में शुरू हो गए हैं। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, जहां उन्होंने जबलपुर की ओर शहडोल का दौरा भी किया। इस दौरान जेपी नड्डा कई कार्यक्रमों में भाग भी लिए। और आप सब के साथ बातचीत करने का भी मुझे सौभाग्य मिला है। आप सब लोग जो समाज का नेतृत्व करते हैं, उनके साथ कुछ वार्तालाप होती है और कुछ बातों पर चर्चा होती है, तो आपके माध्यम से वो समाज में प्रतिबिंबित होता है, एम्प्लीफाई होता है और समाज के लोगों को उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसलिए आप लोगों के साथ वार्तालाप होना मैं विशेष समझता हूँ। और मैं जब यहाँ आया हूँ तो हमारे 64 योगिनी अपने माता को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। साथ ही साथ नंदकेश्वर मंदिर को भी और माता को भी हम नमन करते हुए, जहाँ शिव जी ने तपस्या की थी, ऐसे स्थान को भी मैं नमन करता हूँ और अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूँ। और मैं जबलपुर में आऊँ और रानी दुर्गावती जी को याद न करूँ और उनके प्रति नमन न करूँ, उन्हें नमन न करूँ, तो शायद मेरी यात्रा अधूरी होगी। तो उनको भी मैं नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। आज चुनाव की बेला है, आने वाले समय में आप सब लोग इस चुनाव में अपने आप का पूरा योगदान करेंगे और मैं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के नाते आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को अपना ही समर्थन नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व के पूरी योग्यता को उपयोग करते हुए समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिले, यह निवेदन करने के लिए मैं आया। और जब मैं ये कहता हूं तो सिर्फ कहने के लिए नहीं कहता, इसलिए कि वो मेरी पार्टी है, इसलिए नहीं कहता कि हमारी पार्टी को मजबूती मिले। मैं इसलिए कहता हूं कि आज ये समय की आवश्यकता है, ये प्रासंगिकता है, ये समय की नजाकत है, ये समय की को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लेना एक देश के लिए आवश्यक है, ऐसा मैं मानता हूं। और मैं ही नहीं सिर्फ मानता, मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी मानते हैं। और जब मैं ये कहता हूं कि आप भी मानते होंगे तो इसके पीछे हमें कुछ समझना चाहिए। आप लोग भी राजनीति को लंबे समय से देख रहे हैं, आप लोगों ने भी राजनीति को लंबे समय से बहुत गहराई से देखा है, समझा है, जाना है हम कैसी राजनीति में थे और हम कैसी मानसिकता में थे। हम ऐसी मानसिकता में थे या ऐसी मानसिकता में हमें पहुंचा दिया गया था, जहां हमारे जहन में बैठ गया था
कि अब कुछ नहीं बदलने वाला है, ये तो ऐसे ही चलेगा, हमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, हमें अब इसके साथ समझौता करना है। यानी एक साधारण मानवी के मन में यह बैठ गया था कि बदलाव नामुमकिन है और परिस्थिति से समझौता करना यही यथार्थ। लेकिन आज 10 साल के मोदी जी के नेतृत्व के बाद आज साधारण मानवी के मन में यह ध्यान में आया है कि नहीं, बदल सकता है, बदला है और आगे बदलेंगे। एक तरीके की परिस्थिति आपको देखिए, यह पॉलिटिकल चेंज है। और मैं तो इसको कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज ब्रॉट ए पॉलिटिकल चेंज इन द पॉलिटिकल कल्चर, राजनीति की संस्कृति में परिवर्तन। अब मैं राजनीति की संस्कृति के परिवर्तन की बात करता हूं तो मैं सब लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, पहले की पॉलिटिक्स क्या होती थी, कौन सी जाति का है, अगड़ा है, पिछड़ा है, इसको और किस जाति का समर्थन है, कौन सी वोट बैंक की राजनीति करेंगे। यानी जातिवाद प्रभावित, जातिवाद को मुख्य चुनाव जीतने का आधार मानकर,